हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग देखते हैं कि जो मेल पार्ट है वह क्या था। फ्लावर का मेल पार्ट एंड्रोशियम, एंड्रोशियम का जो एक यूनिट था क्या था, अस्टेमन। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। एंड्रोशियम में हम लोग देखे थे कि एंड्रोशियम का एक यूनिट अस्टेमन था। अस्टेमन में दो पार्ट था, पहला ऊपर वाला जो क्या था एंथर और फिर फिलामेंट, है ना। एंड्रोशियम का हम लोग देखे थे कि इस तरह का स्ट्रक्चर था, ये स्टॉक लाइक था, ये क्या था फिलामेंट, और इसके ऊपर में बाइलॉब्ड दो लोब था जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे एंथर, ठीक है। फिलामेंट जो है वह स्टेराइल पार्ट है, एंथर जो है वह फर्टाइल पार्ट है। इसी में क्या होता है मेल गैमेट पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है। अस्टेमन, अस्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। अस्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, किसका, फ्लावर का। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, इसमें दो पार्ट है, पहला क्या है फिलामेंट और दूसरा एंथर। देखिए इसमें दो पार्ट है, पहला फिलामेंट और दूसरा एंथर। ओके, फिलामेंट में अब हम लोग फिलामेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिलामेंट इज लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉल। फिलामेंट जो है वह लंबा है और सिलेंडर स्टॉल मतलब डंटे के आकार का, लॉन्ग लंबा और सिलेंडर मतलब बेलन के आकार का। सिलेंडर देखे होंगे गोल टाइप में, उस तरह का स्ट्रक्चर है। इट इज अटैच प्रोक्सिमली टू थैलमस और पेटल। मतलब बोल रहा है कि प्रोक्सिमली का मतलब क्या होता है, इसको मतलब समझिए। अगर इसका एक इंड, जो इंड फ्लावर का जो ओवरी या तो फिर पेटल अगर इसका जो इंड नजदीकी इंड होगा, जो फ्लावर के फीमेल पार्ट ओवरी या तो फिर थैलमस या पेटल से जुड़ा रहेगा, ओवरी से नहीं जुड़ा रहेगा, ओवरी के बेस से जुड़ा रहेगा, ठीक है, इस तरह से अगर यहां से निकला रहेगा तो हम इस इंड को क्या बोलेंगे, प्रोक्सिमल इंड। जो इंड नजदीक होगा, जो इंड नजदीक होगा तो फिर डिस्टल इंड किसको बोलेंगे, तो जो इंड दूर में होगा, जो इंड दूर होगा। फिलामेंट का दो इंड है, एक है डिस्टल इंड, एक है प्रोक्सिमल इंड। प्रोक्सिमल इंड जिस इंड से फ्लावर से या जुड़ा रहेगा, चाहे वह थैलमस से जुड़ा रहेगा, चाहे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके बेस से जुड़ा रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो जिस इंड से वह जुड़ा रहेगा, कहाँ, फ्लावर से, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोक्सिमल इंड। क्या बोलेंगे, प्रोक्सिमल इंड। और जो इंड इससे दूर रहेगा, जहां जुड़ा उससे दूर रहेगा, तो मतलब ये इंड यहां से दूर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टल इंड। ओके, तो इसको मतलब सीखिए। इट इज अटैच प्रोक्सिमली टू थैलमस और पेटल। यह जो है एंथर सॉरी फिलामेंट जो है वह अटैच रहता है थैलमस या तो फिर पेटल, फ्लावर के जो थैलमस या पेटल से अटैच रहता है प्रोक्सिमली, और इस इंड को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोक्सिमल इंड। डिस्टली इट बियर एन एंथर, और इसका जो डिस्टल इंड होता है, जो सबसे ऊपर जो लास्ट इंड रहता है, दूर वाला इंड रहता है, भाग रहता है, उसको हम बोलेंगे डिस्टल। तो यह डिस्टली अटैच किस क्या रखता है, एंथर। डिस्टली क्या अटैच रखता है, एंथर। डिस्टली इट बियर मतलब रखता है एंथर, ठीक है, ये एंथर है और यह डिस्टली इसके फिलामेंट के डिस्टली यह अटैच है, एंथर। अब हम लोग पढ़ेंगे एंथर के बारे में। इट इज ब्रॉड नोब लाइक फर्टाइल पार्ट ऑफ द अस्टेमन। क्या बोल रहा है कि ब्रॉड मतलब चौड़ा, नोब लाइक मतलब गांठ टाइप में, जैसे गांठ देखिए ना उसी तरह नोब का मतलब होता है गांठ, गांठ लाइक फर्टाइल पार्ट ऑफ द अस्टेमन। अस्टेमन का फर्टाइल पार्ट मतलब कि यहीं पर क्या होता है कि फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेल गेमेट का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, फर्टाइल पार्ट, ठीक है। और जबकि फिलामेंट जो है वह स्टेराइल पार्ट है। ओके, इट इज अटैच एट द टिप ऑफ फिलामेंट। एंथर जो है वह अटैच है फिलामेंट के टिप में, सबसे अग्रभाग में, सबसे ऊपर वाला हिस्सा में। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, अब हम लोग एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़े, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो अस्टेमन है, अस्टेमन में हम लोग पढ़े फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट जो है लॉन्ग है, लंबा है, सिलेंडर की तरह है। इसका एक इंड जो अटैच है किससे, फ्लावर से, उसको बोलेंगे प्रोक्सिमल इंड, और दूसरा इंड जो है वह डिस्टली किसको अटैच रखा है, एंथर को। फिर हम लोग क्या पढ़े, एंथर, एंथर जो है ब्रॉड चौड़ा पार्ट है, नोब लाइक मतलब गांठ जैसा स्ट्रक्चर है, और यह जो है वह
फर्टाइल पार्ट है, किसका, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, और साथ में यह जो है एंथर व फिलामेंट के अग्रभाग में जुड़ा हुआ है। ओके, आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। स्ट्रक्चर एंथर से देखने पढ़ने से पहले समझते हैं कि एंथर जो है वह बायलोब्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है, बायलोब्ड मीन्स के इसमें दो लोब्ड होते हैं, एक लोब दो लोब। दो लोब का कहने का क्या मतलब है कि दो चैम्बर, मतलब दो कमरा टाइप में, ठीक है, दो लोब है। ओके, दोनों लोब में फिर दो और चैम्बर है। ओके, ये हो गया दो लोब। दोनों लोब के अंदर में भी अगर हम इसका कट करते हैं इसका सेक्शन को, तो हम इसमें पाते हैं कि इसमें भी दो पार्ट और है। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। मीन्स कि अगर हम एंथर में देखते हैं तो चार कमरा है, एक लोब में दो और एक लोब में दो, तो कितने लोब होते हैं, दो लोब। दो लोब में कितने चैम्बर, एक दो तीन चार, चार चैम्बर मीन्स चार कमरा है। ओके, यही लिखा हुआ है, द एंथर इज बायलोब्ड। एंथर कितने लोब है, दो लोब, एक लोब दो लोब, एंड द टू लोब्स आर ज्वाइंट बाय स्टेराइल टिश्यू कॉल्ड कनेक्टिव। मतलब कि यह दोनों लोब जो है एक दूसरे से ज्वाइंट है, तो वह किस टिश्यू से है, वह स्टेराइल टिश्यू से। स्टेराइल का मतलब बांझ, मतलब वह फर्टाइल में काम नहीं आता, उपजाऊ में काम नहीं आता, तो स्टेराइल टिश्यू, जिसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। यहाँ पर देखे होंगे कि ये एक लोब है, एक लोब लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी एक लोब है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो देखिए इस हिस्सा को क्या बोला गया है, कनेक्टिव, कनेक्टिव बोला गया है ना, तो यह जो है कनेक्टिव वह स्टेराइल टिश्यू है। ओके, एंथर का आगे है, इच एंथर हैज टू लोब, इच एंथर हैज टू चैम्बर, इच एंथर लोब, प्रत्येक लोब में दो चैम्बर है, दो कमरा है। द टू चैम्बर ऑफ एन एंथर लोब पोजेज लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल पोलन शेप। यह जो लोब है, यह दोनों लोब है, देखिए यहां पर डायग्राम थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है कि यह जो है एंथर है, एंथर में दो लोब, एक लोब दो लोब, प्रत्येक लोब में ईच लोब, ईच जब लोब बोला जाएगा, ईच लोब इसका मतलब क्या, प्रत्येक लोब में, प्रत्येक लोब में दो चैम्बर, एक चैम्बर दो चैम्बर, दो कमरा है। ओके, उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि ईच पोलन, सॉरी, द टू चैम्बर ऑफ एन एंथर लोब पोजेज लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल। लॉन्ग मतलब लंबा, और किस आकार में है, तो सिलिंड्रिकल शेप में है, लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल पोलन शेक। और यहाँ पर लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल क्या है, एक पोलन शेक है, जिसका और भी नाम क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, आगे लिखा हुआ है ईच पोलन शेक कंटेन नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। यही पोलन जो शेक है, यही पोलन शेक में क्या होता है, नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, मतलब बहुत सारे जो पोलन ग्रेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमेट, यहीं पर प्रेजेंट होता है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, हम इसके आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम पढ़ रहे हैं कि यह जो एंथर का स्ट्रक्चर है, एंथर दो लोब है, पहला लोब दूसरा लोब, प्रत्येक लोब में दो चैम्बर है, एक चैम्बर दो चैम्बर, तो इसका मतलब टोटल एंथर में चार चैम्बर है। ओके, प्रत्येक चैम्बर में जो है लॉन्ग और सिलिंड्रिकल पोलन शेक प्रेजेंट है। ओके, आगे लिखा हुआ है द फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर पोलन शेक ऑफ एंथर लाय एट इट्स फोर कॉर्नर। मीन्स कि यह जो चारों पोलन शेक या माइक्रोस्पोरेंजिया है, यह पोलन ग्रेन के चारों कोना में प्रेजेंट है। ये एक कोना, ये कोना, ये कोना और ये एक कोना, मतलब कि चारों चार कोना में प्रेजेंट है। ओके, द वॉल ऑफ एंथर कंसिस्ट ऑफ फोर लेयर। पूरे एंथर में जो है वह चार लेयर होता है। देखिए यहाँ पर लेयर दिखाया गया, सबसे बाहरी लेयर जो होगा वह इपिडर्मिस का लेयर होगा, सबसे बाहरी लेयर जो होगा वह इपिडर्मिस का होगा, उसके बाद वाला जो लेयर होगा वह इंडोथेसियम होगा, सॉरी यहाँ पर गलत इंडिकेट हो गया, उसके बाद वाला जो लेयर होगा वह क्या होगा, इंडोथेसियम, उसके नीचे वाला जो लेयर होगा वह मिडिल लेयर, और सबसे नीचे होगा वह क्या होगा, टेपेटम। ओके, तो एंथर में कितने लेयर देखे, चार, सबसे बाहर वाला इपिडर्मिस, उसके बाद वाला इंडोथेसियम, उसके बाद वाला मिडिल लेयर, और सबसे लास्ट में क्या है, टेपेटम। ओके, ये चारों का फंक्शन कुछ अलग अलग है। देखिए क्या है,
इपिडर्मिस जो है वह बाहरी लेयर है, तो वह श्योर है कि वह प्रोटेक्शन में मदद करेगा, उसको सुरक्षा देगा, किसको, एंथर को। उसके बाद क्या है, इंडोथेसियम। इंडोथेसियम किस में मदद करता है, डेहिसेंस ऑफ एंथर। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जब एंथर मेच्योर हुआ, अंग हुआ, पोलन ग्रैंड बन गया, पोलन ग्रैंड के बाद क्या होता है, वह डिहाइड्रेट होता है, मतलब वाटर का लॉस होता है और सूखता है, तो सूखने के बाद उसको फोड़ने में मदद करता है कौन, इंडोथेसियम। नहीं तो फिर अगर मान लीजिए कि पोलन ग्रैंड बन गया एंथर में और एंथर फूटा ही नहीं, तो पोलन ग्रैंड क्या एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा, नहीं, क्योंकि वह तो बंद रहेगा, वह कमरा में बंद रहेगा, तो उसका फोड़ना जरूरी है, तो वह फूटेगा, पोलन ग्रैंड बाहर निकलेगा और कोई एजेंट, चाहे वह विंड, चाहे वह हवा से, चाहे वह वाटर से, चाहे वह पोलन कीट से, चाहे वह एनिमल से, किसी भी एजेंट से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर या एक फ्लावरिंग प्लांट से दूसरे फ्लावरिंग प्लांट में जाएगा, तो उसको फोड़ने का काम कौन करेगा, इंडोथेसियम। मिडिल लेयर जो है वह जैसे जैसे मेच्योर होता है एंथर, वह मिडिल लेयर वो कंज्यूम हो जाता है, वह डीजनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, बचा क्या, टेपेटम। तो टेपेटम क्या करता है, टेपेटम नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन एंथर में बन रहा है, जो यह जो पोलन ग्रेन आप लोग देखिए, यह जो पोलन ग्रेन एंथर में बन रहा है, उसको आहार देने का काम कौन करेगा, टेपेटम। ओके, इसको नरिशमेंट चाहिए ना, ग्रोथ जो कर रहा है उसको नरिशमेंट चाहिए ना, तो वह नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा, तो यह टेपेटम। तो यह एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है कि पोलन ग्रेन, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशमेंट कौन देता है, कौन सा लेयर देता है, तो वह टेपेटम। ओके, तो हम लोग इस वीडियो में पूरा देखें, अस्टेमन देखें, अस्टेमन में एंथर और फिलामेंट, एंथर का हम लोग स्ट्रक्चर आज पढ़ें, क्या पढ़ें कि एंथर में दो लोब होता है, प्रत्येक लोब में दो चैम्बर होता है, इसका मतलब पूरे एंथर में चार चैम्बर हो गया, प्रत्येक चैम्बर में लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल पोलन सेक होता है, जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोलते हैं। ओके, यह जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वह चारों कोना में प्रचार होता है पूरे एंथर में, और वह चारों कोना में प्रेजेंट होता है। ओके, यह जो पोलन सेक है इसमें पोलन ग्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ें कि जो मेल एंथर है, एंथर में चार लेयर होता है, कौन कौन सा, सबसे बाहरी लेयर इपिडर्मिस, फिर इंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। ये जो सबसे बाहरी लेयर है वह इपिडर्मिस, फिर ये वाला क्या है इंडोथेसियम, ये वाला क्या है मिडिल लेयर, और सबसे नीचे वाला क्या है टेपेटम। और टेपेटम, और ये जो हो गया क्या, ये हुआ पोलन सेक जो लंबा है, और फिर इसमें क्या है पोलन ग्रेन प्रेजेंट है, और ये दोनों जो लोब है वह दोनों एक दूसरे से जो जुड़ा है वह जोड़ने का काम कौन कर रहा है, स्टेराइल टिश्यू, जिसको क्या बोल रहे हैं, कनेक्टिव। ओके, आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।